नमस्कार, स्वागत है आपका रेणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। रविंद्र जीत सिंह के बाद अब भाजपा ने किरण चौधरी को भी बड़ा झटका दे दिया है। कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी बीजेपी को खटकने लगे हैं। किरण चौधरी की चौधर जो है वो बीजेपी को रास नहीं आ रही, और अभी से बीजेपी किरण चौधरी को झटका देती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में, जहां किरण चौधरी को नजरअंदाज कर दिया गया। किरण चौधरी को अमित शाह के नजदीक जगह नहीं मिली, किरण चौधरी को अमित शाह के साथ फोटो में जगह नहीं मिली, किरण चौधरी को बोलने का मौका नहीं मिला। और इसके अलावा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह देखने को मिली कि किरण चौधरी के गढ़ में, बंसीलाल परिवार के गढ़ में होने के बावजूद भी पूरी जनसभा में किसी भी नेता के द्वारा चौधरी बंसीलाल का एक बार भी जिक्र ना करना एक बड़ा सियासी संदेश छोड़ गया है। अब इसके क्या कुछ जो है मायने है, उसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आहिरवाल क्षेत्र को साधने के लिए, ओबीसी वोट बैंक को मजबूती के साथ भाजपा से जोड़ने के लिए आहिरवाल क्षेत्र में, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसका अंदेशा किसी भी नेता को पहले नहीं था। सबसे पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको अमित शाह के साथ नायब सिंह सैनी और अन्य भाजपा के कई नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें किरण चौधरी नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अलग अलग एंगल से खींची हुई और भी, अगर आपको फोटो दिखाएंगे और भी तस्वीरों को आप देखेंगे, तो उसमें भाजपा के और भी कई नेता जरूर दिख रहे होंगे, बीजेपी के और भी कई नेताओं के चेहरे जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन किरण चौधरी नजर नहीं आ रही। क्योंकि ना ही किरण चौधरी को गृह मंत्री अमित शाह के नजदीक बैठने की जगह मिली, ना ही किरण चौधरी को भाजपा के द्वारा किसी फोटो में स्थान दिया गया, और ना ही किरण चौधरी को बोलने का मौका मिला। हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी की जनसभा में चौधरी बंसीलाल का एक बार भी जिक्र ना होना आखिर क्यों, यह एक बड़ा सवाल और एक बड़ा चर्चा का विषय जनता के बीच बना हुआ है। क्योंकि चौधरी बंसीलाल, जिनके विकास के चर्चे आज तक हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच चलते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का अहिरवाल क्षेत्र में, और विशेष तौर पर उस क्षेत्र में जिसको चौधरी बंसीलाल का गढ़ माना जाता है, जहां पर चौधरी बंसीलाल का परिवार लगातार चुनाव लड़ता रहा, और वहां पर पहुंचकर अमित शाह के द्वारा चौधरी बंसीलाल का ही जिक्र ना करना, चौधरी बंसीलाल का एक बार भी नाम ना लेना काफी संशय पैदा कर गया, काफी सवाल जो है खड़े कर गया। हालांकि ये वही स्थान है जहां पर कुछ में पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के प्रसार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया था। पहले ये वीडियो देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी बंसीलाल के बारे में क्या कुछ महेंद्रगढ़ पहुंचकर और ठीक उसी स्थान पर जहां पर आज अमित शाह की रैली हो रही है, वहां पर क्या कुछ बोला था। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। चौधरी बंसीलाल भिवानी महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध थे, और मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य रहा, चौधरी बंसीलाल जी से मेरी बड़ी निकटता रही, और वो रात को देर तक जागने के आदि थे, तो कभी कभी हमारी मीटिंग रात को 1 बजे के बाद शुरू होती थी और कभी कभी सुबह सुबह तक चलती थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी, और मैं देखता था कि जब भी बातों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात आती थी, ऐसी एक मीटिंग नहीं होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात निकली हो और चौधरी बंसीलाल जी के आंख में से आंसू न टपके हो। और वो मुझे इतना प्यार करते थे, क्योंकि जब मैं गुजरात का था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो एक नाता ऐसा बन गया था, और गवर्नेंस की दुनिया में भी साथ साथ काम किया, बरसों तक साथ में काम किया। तो देखा आपने वीडियो, और ये वीडियो उस समय का है जब किरण चौधरी भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस में थी। हालांकि अब किरण चौधरी कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, यानी कि बीजेपी की नेत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने चौधरी बंसीलाल का जिक्र जरूर किया, लेकिन भाजपा में चौधरी बंसीलाल के वंशजों के होते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा एक बार भी चौधरी बंसीलाल का जिक्र ना करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो खड़ा
कर ही रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी एहसास करवा रहा है कि बीजेपी के द्वारा चौधरी बंसीलाल के परिवार को खारिज किया जा रहा है, सिरे से नकारा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ किरण चौधरी का हाल इस जनसभा में मंच पर देखने को मिला, जिस तरीके से उनको किनारे पर रखा गया, हाशिए पर रखा गया। लेकिन अब चर्चाओं का और कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। जनता का मानना है कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी में शामिल होकर बड़ी गलती कर दी है, बड़ी भूल कर दी है। और अब गृह मंत्री के द्वारा जिस तरीके से उनको और उनके परिवार को, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज किया गया है, तो किरण चौधरी को भी अपनी इस गलती का एहसास जरूर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या माने, क्या वास्तव में ही किरण चौधरी ने भाजपा में आकर बड़ी भूल कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी को एक हरियाणा प्रदेश सरकार की नेत्री के रूप में देखा जाता था, जिनका हरियाणा के कई हिस्सों में, कई क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा माना जाता था, वही किरण चौधरी आज बीजेपी में जाकर हाशिए पर पहुंच चुकी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी किरण चौधरी के चौधर पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या किरण चौधरी बीजेपी के चंगुल में फंस पाती हैं, क्योंकि किरण चौधरी जब भाजपा में शामिल हुई तो उस समय चर्चाएं यह भी चली थी कि उनको बीजेपी के द्वारा अच्छा खासा मान सम्मान मिलेगा, बड़ा महत्व दिया जाएगा, बड़ी तवज्जो मिलेगी, या फिर उनको राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं चली, इस तरीके की संभावनाएं लगाई गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जिस तरीके से शुरुआत में ही किरण चौधरी को नजरअंदाज कर दिया गया, बड़ा झटका दे दिया गया, तो ऐसे में किरण चौधरी के सारे सपने तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। किरण चौधरी जिन उम्मीदों के साथ भाजपा में शामिल हुई थी, अब उन उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जो किरण चौधरी कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती थी, वही किरण चौधरी अब भाजपा में आकर कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता की तरह ही भूमिका निभाती हुई नजर आ रही, और कहीं ना कहीं भाजपा उनकी इस भूमिका को कार्यकर्ता से ऊपर बढ़ने देने से भी रोकने का प्रयास करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता का और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता का क्या मानना है? क्या वास्तव में बीजेपी में आकर किरण चौधरी ने बड़ी गलती और बड़ी भूल कर दी है? और क्या वास्तव में ही जो भाजपा अमित शाह को अहिरवाल क्षेत्र में बुलाकर तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो इस तरीके से जैसे बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार किया जा रहा, हाशिए पर धकेला जा रहा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? क्या भाजपा इस क्षेत्र से जनाधार प्राप्त करने में सफल रहेगी? क्या लगता है? अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।